अहमद, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तानी बल्लेबाज कुछ जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, वरना इस वक्त तक स्कोर जो है वो 300 प्लस हो चुका होता? देखिए, मेरे ख्याल में जो स्टार्ट में से ही हमने देखा ये चीज के हमारे जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं उन्होंने बिला वजह अपनी विकेट जो है वो खुद दे के आए हैं। अब्दुल्ला शफीक को आप देखेंगे वो जिस तरीके से आउट हुए, इमाम उल हक आज भी उसी तरह आउट हुए जिस तरह वो इंडिया के अगेंस्ट आउट हुए थे। फिर आजम को देखेंगे, आपको क्या जरूरत है जब आप स्वीप पे इतने पक्के नहीं हैं तो आपको स्वीप मारने की, उन्होंने भी अपने विकेट को दी गवाई। तो आधे से ज़्यादा बैट्समैन देखें साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने कोई इतनी कमाल बॉलिंग नहीं की कि जिससे वो विकेट्स ले सके, विकेट टेकिंग उनकी बॉलिंग नहीं थी आज। और एक चीज़ जो हमने देखी है वो ये कि हमारे बैट्समैन का नो डाउट एक इंटेंट तो नजर आया है, लेकिन इमाम उल हक का आज भी वही मसला है जो शुरू से इस वर्ल्ड कप में उनका मसला नज़र आ रहा है। अब्दुल्ला शफीक की अगर मैं बात करूं तो देखें, अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस अगर थोड़ी सी डाउन हुई है तो दैट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि अब्दुल्ला परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। उसके बाद बाबर आजम ने भी 50 की, रिजवान को आप देख लें, उसके बाद इफ्तिखार को मेरे ख्याल में थोड़ा सा रोक के रखना चाहिए था, सऊद को पहले भेजना चाहिए था इफ्तिखार, क्योंकि जितने कम ओवर्स रह जाएं उतने ओवर्स के लिए फिर इफ्तिखार काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्प्रेसिव भी साबित होते हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेहतर भी होती है आखिरी के ओवर्स में। तो मेरे ख्याल में एक ही मैं बात करता आ रहा हूँ जब से ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस दिन 50 ओवर पूरे खेल गई बैटिंग में, पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच जीत जाएगी। तो आज भी एक्सपेक्ट तो मैं यही कर रहा था जब शादाब और सऊद शकील की पार्टनरशिप लगी हुई थी कि सम हाउ पाकिस्तान मैनेज कर लेगा पूरे 50 ओवर खेलने के लिए। देखें साउथ अफ्रीका अहमद इस वक्त लग नहीं रहा कि 50 ओवर खेल पाएगा पाकिस्तान, 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, इस वक्त भी 4 ओवर बाकी है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आगे लेके जाया जाए, आखिरी ओवर तक खींचा जाए मैच को। देखिए बिल्कुल आखिरी ओवर तक लेके इस वजह से जाना चाहिए क्योंकि जितने ज्यादा रन ऐड होते जाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। साउथ अफ्रीका की बड़ी लंबी चौड़ी बैटिंग है, आप उनकी जो है ना बैटिंग को जो हमने उनकी परफॉर्मेंसेस देखी हैं वो हमारे सामने ही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट के 400, 350, 300 तो उनके लिए कोई बड़ी मुश्किल है ही नहीं। देखें इस तरह की सिचुएशन में आप तभी पड़ते हैं जब आपके सेट बैट्समैन अच्छे बल्ले खेलते खेलते 50 रन 60 रन करके और अपनी विकेट इस तरह से दे के बैठे, और ये मेरे ख्याल में उन बैट्समैन से ज्यादा कसूरवार हैं जो जल्दी आउट हो रहे हैं या कम रन पे आउट हो रहे हैं। क्योंकि जब 50 रन 60 रन 40 रन एक बैट्समैन कर लेता है तो इट मीन्स कि वो पिच को भी अच्छी तरह से समझ गया है, पिच के बिहेवियर को भी समझ गया और जो कंडीशन है उनको भी अच्छी तरह से रीड कर गया है। उसके बाद इस तरह से अपनी विकेट गंवाना मेरी समझ से बाहर है। शादाब को भी आप देख लें, शुरू के बैट्समैन को भी देख लें, तो जब आप इस तरह की सेट होने के बाद अपनी विकेटें इस तरह से गंवाएंगे तो मेरे ख्याल में आप इसी तरह की सिचुएशन में फंसेंगे। और आज भी नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान पूरे 30 ओवर खेलेगा, तो अब आप खुद सोच लें कि जो टीम 30 पूरे 50 ओवर बैटिंग नहीं कर सकती वो फिर क्या मैच जीतेगी। बिल्कुल अहमद, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।